नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। मेरठ में साधु की पीट पीट कर हत्या की गई, खेत में पड़ा मिला साधु का शव। मुंडाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों का हंगामा देखने को मिला। शव गाड़ी से उतारा गया, मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ नजर आई। कई थानों की पुलिस फोर्स को बुलाया गया। तुम्बी बाबा मंदिर में रहते थे साधु जिनकी हत्या हुई। बड़ला केतवाड़ा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी मेरठ से, जहां पर साधु की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। खेत में साधु का शव पड़ा मिला, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मुंडाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और इसी के साथ ही नजदीक के थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। ग्रामीणों का जहां पर हंगामा देखने को मिला और साथ ही शव गाड़ी से उतारा गया। तो मेरठ से ये बड़ी जानकारी, जहां पर साधु की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि खेत में साधु का शव पड़ा मिला, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हालातों का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस को भी ग्रामीणों के हंगामे का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने खूब हंगामा किया और उसके साथ ही शव को गाड़ी से उतारा गया। तो साधु की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, हालांकि वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। पुलिस मौके पर पहुंची और हालातों का जायजा लिया, जहां पर पुलिस ने देखा कि ग्रामीणों ने खूब हंगामा किया और साधु का शव गांव के ही खेत से बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। तो शव मिलने के बाद ग्रामीणों ने भी खूब हंगामा किया, जिसका सामना पुलिस को भी करना पड़ा। मेरठ से ये बड़ी जानकारी, जहां पर साधु की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। खेत में साधु का शव पड़ा मिला, जिसके बाद मुंडाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालातों का जायजा लिया। इस दौरान ग्रामीणों ने भी खूब हंगामा किया, शव गाड़ी से उतारा गया। तो ये बड़ी और अहम जानकारी मेरठ से, जहां पर एक बार फिर भीड़ का अमानवीय चेहरा देखने को मिला। जहां पर साधु की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, खेत में साधु का शव पड़ा मिला, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हालातों का जायजा लिया। इसी के साथ ही पुलिस को भी ग्रामीणों के हंगामे का विरोध करना सामना करना पड़ा। शव गाड़ी से उतारा गया, ग्रामीणों ने इस दौरान खूब हंगामा किया। तो मेरठ से ये बड़ी जानकारी, जहां पर साधु की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। भीड़ का अमानवीय चेहरा एक बार फिर से देखने को मिला, जहां पर खेत में पड़ा मिला साधु का शव। मुंडाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।